जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसकी रेजिस्टिविटी, उसका लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है ना। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल वाई, ये फॉर्मूला जो हम लोग यूज करते हैं उसे ये पता चलता है कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। तो जब किसी कंडक्टर को या वायर को हम लोग स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच करने से उसकी ज्योमेट्री चेंज होती है। जब ज्योमेट्री चेंज होती है तो क्या उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है, अगर चेंज होता है तो किस तरीके से चेंज होता है, ये हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, है ना। जैसे मान लेते हैं कि एक वायर है जिसका लेंथ शुरू में L1 है और बाद में इसको हमने स्ट्रेच कर दिया तो इसका लेंथ हो गया L2, एरिया पहले A1 था अब एरिया हो गया A2, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये मानते हैं कि मटेरियल की जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं हुई। अगर डेंसिटी चेंज नहीं हुई तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम था ये था L1 A1 और यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा ये होगा L2 A2 और ये दोनों वॉल्यूम इक्वल होने चाहिए, है ना। यानी L1 A1 शुड बी इक्वल टू L2 A2, ये हो गया वॉल्यूम, है ना। हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है रो L डिवाइडेड बाई A, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ रो, अगर L से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं जैसे, तो ऊपर L स्क्वायर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा L इंटू A, ठीक है। इसी फॉर्मूले में L से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया रो L स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेंथ इंटू एरिया। यहां पर हमने क्या देखा, स्ट्रेच करने के बाद भी जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, तो L इंटू A जो है ये वॉल्यूम हो गया और ये कांस्टेंट है, ये रो भी कांस्टेंट रहेगा मटेरियल का। यानी ये कहा जा सकता है कि जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर हो गया, है ना। यहां से हमने क्या सीखा कि लेंथ इंटू एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम, ये कांस्टेंट रहेगा, तो इसलिए हमने यहां पर L इंटू A को कांस्टेंट मान लिया। उसी तरह से ये जो रेजिस्टेंस है इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, एरिया से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो रो इंटू L इंटू A, तो नीचे हो जाएगा A इंटू A यानी A स्क्वायर। अब देखेंगे कि ऊपर जो है L इंटू A आया, ये हो जाएगा वॉल्यूम और वॉल्यूम यहां पर कांस्टेंट रहता है ना, ये हो गया कांस्टेंट और रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट ही रहेगा जब स्ट्रेच करेंगे तो। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ऊपर वाला टर्म चूंकि कांस्टेंट हो गया तो रेजिस्टेंस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एरिया, है ना। तो इस तरह से रेजिस्टेंस वेरी करेगा। जब स्ट्रेच करेंगे तो रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल नहीं है, एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। अब किस तरह से है, रेजिस्टेंस लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और एरिया के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हमें ध्यान रखना है। ये केस पॉसिबल तभी है जब स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है।